हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैंने जैसे बताया था कि जो है सुबह का पूजा जो है होता है, तो हम लोग जो है अभी रेडी हो गए हैं सुबह सुबह वहाँ जाने के लिए। अभी देखिए टाइम ही दिखाते हैं, अभी होने के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, अभी जो है 4:32 हो गए हैं, 4:32 मॉर्निंग में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, देखिए काफी क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन पे जो है धुंधला बना रहा है। अभी जो है सुबह के जो है 4:30 बज गए हैं, तो हम लोग जो है निकलने वाले हैं, और गरिमा भी रेडी हो गई। आ जाओ, रेडी होके जो है ये देखिए पूजा करने के लिए चल रहे हैं। तो अभी जो है दोस्तों निकल रहे हैं, अंधेरा है काफ़ी, अभी वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं, जो भी बन पाता बनाते हैं, बाकी जो है मॉर्निंग जब हो जाएगा उजाला हो जाएगा, उसके बाद जो है उसमें बना के आप लोगों को दिखाएंगे सुबह का पूजा कैसे हो रहा है। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के पास चलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों जो है निकलते हैं, क्योंकि 4:30 बज गया, उसे भी काफ़ी लेट हो गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भीड़ जमा हो जाती है सुबह सुबह ही। तो चलिए जो है आइए, थोड़ा सा हम जो है बाहर आए हैं, एक मिनट अंधेरा है, लाइट जला देते हैं। ये देखिए अभी लाइट जल गया है, तो थोड़ा सा जो है चेहरे पर उजाला होगा। आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, कितना अंधेरा है। अभी जो लाइटिंग है बहुत सारी, ये जो स्ट्रीट लाइट है हमारे यहाँ खंभे पे, और ये नहर पे रोड है, बहुत बड़ा फ्लैश लाइट लगा हुआ है, तो अभी एकदम अंधेरा ही है 4:30 बजे। चलिए जो है चलते हैं गाड़ी पास। चलिए दोस्तों चलते जा रहे हैं जो है गाड़ी पास। तो देखिए यहाँ पे जो है हम निकल गए हैं गाड़ी से, और देखिए जो है कितना ज़्यादा जो है कोहरा है, और अभी यहाँ पे जो है रास्ता भी थोड़ा सा पतला है। अभी हम जो है मेन रोड पे नहीं आए हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम जो है मेन रोड पे आ गए हैं, और यहाँ देखिए अभी भी स्टोर जो है सजे हुए हैं, दीपावली का जो है त्यौहार था पहले, और हम जो है चलते हुए जा रहे हैं, और अब हम जो है बांसी सिटी में जो है पहुँच गए हैं। दोस्तों जो है मैं उन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, गाड़ी मुझे खड़ा करना है, तो देखता हूँ मैं कहाँ पे जगह है। तो जो है मैं वहाँ पे गया था, और मैं सबको वहाँ पे छोड़ के पूजा स्थली पे मैं वापस चला आया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला था और मैं वहाँ रुक नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ही ठंडी लग रही थी मुझे। तो अभी जो है मैं घर पर आ गया था, तो अभी क्या है वहाँ पे पूजा ख़त्म हो गया है, तो फ़ोन आया तो मैं सब लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। मैं और अनवी भी उठ गई, अभी देखिए अनवी की हल्की से तबीयत खराब हो गई है, रात को हम लोग जो काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से अनवी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तो आगे का मौसम देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो गया, कोहरा धूप है, कि आगे का ये मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो है कोहरा है और ये सूरज भगवान निकले हुए हैं, सूर्योदय का समय है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है जो है सीन, एकदम कश्मीर बन गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कोहरा। ऐसे जो है हम अब निकल चुके हैं और लगभग आधे रास्ते में पहुँच गए हैं, और पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा, तो वहाँ पे पहुँच के दोस्तों फिर हम जो है आगे नहीं जा रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है इसलिए लग रहा है कि इसे आगे चलना है। तो इस तरह से जो है दोस्तों अनवी कह रही कि सूरज भगवान भी जल्दी जल्दी आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चल रही है उसको ऐसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और जो है फिर मुलाकात करते हैं बांसी में। जो दोस्तों जो है कोहरा बहुत है, अभी भी देखिए रात में तो कोहरा था ही, अभी देखिए इस समय भी जो है लगभग 7:45 बज रहा है, लेकिन देखिए कोहरा कितना तेज है जो है। तो अभी अक्टूबर का महीना ख़त्म नहीं हुआ, अभी आज अक्टूबर महीने का लास्ट डे है, उसके बावजूद भी देखिए कितना कोहरा है, दिसंबर में क्या हाल होगा। देखिए एकदम कोहरे के पास जो हम लोग पहुँच गए, पूरे तरीके से एकदम घनघोर कोहरा इसको कहते हैं जो है, घना कोहरा। अभी देखिए यहाँ पे कोहरा खत्म हो गया, और सुबह का जो है हाल बांसी का देखिए, धूप हो गया हल्का सा, यहाँ पे कोहरा नहीं दिख रहा है, कोहरा खत्म है, तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है जो है मॉर्निंग में। बांसी आपका रोडवेज, ये आपका बांसी रोडवेज है, और हम इस रोडवेज पे पहुँच गए हैं। ये देखिए दोपहरी, ये देखिए रोडवेज है ये पूरा। तो गाइस जो है हम लोगों ने गाड़ी पहले ही रोक दिया है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है आगे,
और आगे जो है गाड़ी ले जाएंगे तो फंस जाएगी, और जाने भी नहीं दे रहे हैं तो हम लोग काफ़ी पहले ही रोक दिए हैं। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों कितनी भीड़ है वहाँ पे, भी अभी पब्लिक आ रही है, रोड भी है यहाँ पे, काफ़ी दिक्कत है। क्या करूँ बेटा, वैल्यू नहीं बिक रहा अभी इस समय यार, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना मना है क्योंकि हम काफ़ी पहले अपनी गाड़ी को रोक दिए हैं और रोड पे ही गाड़ी को रोके हुए हैं। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी भीड़ है, बहुत पब्लिक है, यहाँ पे जो है गाड़ी ले जाना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और फंस जाएगा, काफ़ी ट्रैफिक लग जाएगा। तो इस वजह से हमने जो है गाड़ी को पहले ही रोक दिया है और फ़ोन कर दिया है। वैसे पूजा करके आ रहे हैं अपना जो है गठरी वठरी लाते हुए, और ये सब लोग जो है पूजा करके वहीं पे आ रहे हैं। देखिए बहुत सारी जो है जनता और भक्तगढ़, देखिए सब, ये देखिए सब पूजा करके आ रहे हैं जो है, अपना बाजा गाजा के साथ गए थे ये देखिए, बाजा भी बजवा रहे हैं सब लोग पूजा करके आ रहे हैं जो है। देखिए लोग डांस भी करने लगे हैं, हमारे रुपेंद्र भाई भी आ गए हैं पूजा वूजा करके। ये देखिए पंडित जी, आ गए हैं ये देखिए पूजा पाठ करके एकदम। पीछे भी एकदम जो है सब लोग आ रहे हैं, वही तो सब लोग अनवी भी मानना है, अनवी मान नहीं रही थी जो है, कहीं मैं भी चलूंगी, बुखार है ये दोस्तों आ गए हैं घर पे और पहुंच गए हैं घर पे। तो हमारा जो है छठ पूजा का जो ब्लॉग था वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और फिर आप लोगों से किसी एक नए ब्लॉग में मिलेंगे और फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का जो है ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। अनवी बेटा बाय बाय।